नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो सभी सब्जेक्ट वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए, इसमें 25,000 से प्लस क्वेश्चन है और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन लाए गए हैं। तो इसके पहले वीडियो बनाया गया है हिस्ट्री पर, जिसमें की एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी हो चुका है। और अभी इस टाइम हम लोग इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में भी दो वीडियो बना दिए गए हैं और आज है तीसरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखिए, हम लोग को शुरू अब इसमें पढ़ना है राज्य की संरचना एवं कार्य प्रणाली के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं राज्यपाल एवं उपराज्यपाल। तो इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर देखिए, उसको बहुत ही जरूरी है। चलिए, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख जैसे देश का राष्ट्र का होता है, तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। और देखिए, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है सब इसमें आए हुए हैं, जैसे कि पीसीए 2019 से क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के अंतर्गत आता है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 213। जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस समय राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे, तो इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए एवं विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, तो यह है राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, तो यह है सिक्किम, इसमें कम है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो यह संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी, तो यह सरोजिनी नायडू। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो यह है रघुकुल तिलक। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो यह राज्य की विधायिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि राज्य विधानमंडल, यूपीपीसीएस जे 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वह अपना त्याग पत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित सौंपेगा, तो वह राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। उसके बाद यूपीपीसीएस आरओ क्वेश्चन पूछा 2021 में कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति है, तो ये 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। उसके बाद देखिए, पीसीए 2022 में क्वेश्चन पूछा था सुमेलित करने के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन था राज्य और विधानसभा के सदस्य संख्या, तो गोवा का हो जाता है 40 और उत्तराखंड 70, मणिपुर 60 और उत्तर प्रदेश 403, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 403। उसके बाद वर्ष 1956 में पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधायिकाएं थी, तो यह है 5। और भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो यह है 500। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है किसी राज्य का विधानमंडल। उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं, तो यह है 403। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है, तो यह है 4 माह तक। नेक्स्ट है, विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है, तो यह विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। नेक्स्ट है, विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या तो उत्तर प्रदेश की है 403। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 169। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, तो मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन नहीं है, तो वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित एक सही कथन नहीं है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं।
राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा। संविधान का वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 167। कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध है, तो देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता, तो केरल नहीं आता है। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है 70 भागों में। दिल्ली यानी एनसीआर को छोड़कर भारत में संघीय क्षेत्र, तो ये 6 वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर 7 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पदनाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। देखिए 1965 में जम्मू कश्मीर के राज्य के संविधान में 6वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर नेक्स्ट है, संविधान सभा में अनुच्छेद 370 संबंधित जम्मू कश्मीर राज्य से है। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है मध्य प्रदेश। राज्यसभा जम्मू कश्मीर विधानमंडल एवं राज्य विधान परिषद में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष उपबंध प्रावधानित है असम राज्य के लिए। भारत का वह राज्य जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है, तो ये गोवा है और इसमें बहुत चर्चा में उत्तराखंड में भी है। न्यायपालिका के बारे में देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसकी शक्तियां, क्षेत्राधिकार, तो देखिए ये यूपीपीसीएस जे 2023 में पूछा था क्वेश्चन, देखिए दो बार पूछा हुआ है क्या क्या है। तो अभिलेख न्यायालय दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों में है। उसके बाद वह निर्णय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 का अनुपालन विधि महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया, तो यह दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है संसद में। और नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को, पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा था ये, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले को की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए 5 और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को एक अभिदेशन किया है, तो खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण करता है संसद द्वारा और केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक। और भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, तो वह अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय एवं हाई कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो मूल अधिकारों का संरक्षण। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है और भारत में संविधान के मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, तो यह है आपका न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है, तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। नेक्स्ट, जनहित याचिका की शुरुआत की गई है न्यायिक पहल द्वारा और भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो ये 3 माह तक।
और सुप्रीम कोर्ट मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी करता है तो 5 रिट याचिकाएं जारी करता है। न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू करते हैं उत्प्रेषण रिट, उस 5 में से एक है उत्प्रेषण रिट। दूसरा है बंदी प्रतिचीकरण, मैडमस परमादेश भी होता है। तो एक ऐसी याचिका जो न्यायालय न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिस तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए तथा उसे उस रीट को कहा जाता है माइंडेमस यानी कि परमादेश, हम आदेश देते हैं ऐसे बोलते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों को है। नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो परमादेश रिटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पीठ गोलकनाथ केस, देखिए गोलकनाथ तो 11 था, केशवानंद भारती में 13 था, तो सबसे बड़े आज तक में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कौन सा है तो केशवानंद 1973 का। भारत के सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, यह विधि से भारतीय संविधान का धारा 348 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 तथा 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिकाएं उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। तो शेर सिंह बनाम भारत संघवाद के, सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभी निर्णित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होगा। तो यह है नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। तो यह सेहात बनाम भारत संघ के वाद में। फिर नेक्स्ट है, 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने संक्षेपित किया है कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त का अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। तो यह सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो यह मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में। सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया है कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। जिस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया है कि वह था विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी का निर्णय दिया था 3-2 के बहुमत में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते प्रभारित किए जाते हैं। तो यह भारत के संचित निधि, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है संसदीय अधिनियम द्वारा, और भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर उस पर बाध्यकारी नहीं है। यह अभी निर्धारित किया गया है बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद में। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है तो वह उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ये ऐसा नहीं है। देखिए आयु निर्धारित किया गया है लेकिन ऐसा कोई आयु नहीं बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के उसमें अंडर में आए। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जा सकते हैं तो इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करने का प्रावधान है तो यह सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है न्यायपालिका। नेक्स्ट है, बेस्ट बेकरी मामले की प्रमुख गवाह जहीरा शेख को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दी गई, यह न्यायालय के समक्ष अपने बयान से बार बार मुकरने पर न्यायालय की अवमानना के लिए, ठीक है, बेस्ट बेकरी मामले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट गठन शक्तियां उसके क्षेत्राधिकार, देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, अब हाई कोर्ट देखिए। यूपीपीसी से एई 2021 में क्वेश्चन पूछा था, एई मतलब कि एसीएफ आरएफओ सब ईपीएफ का क्वेश्चन है। तो वह अनुच्छेद जो यह प्रदान करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है, तो होगा तो अनुच्छेद 141। पूर्वोत्तर का वह राज्य जो समान रूप से गुवाहाटी हाई कोर्ट से संबंधित है, तो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अब असम का एक अपना खुद का बन रहा है, किसका किसी का बन रहा है अभी हाल ही में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान है, तो वह है अनुच्छेद 241 का। गुवाहाटी का तो असम में है ही उसका। भारत में हाई कोर्ट न्यायालयों की संख्या तो 21, वर्तमान में 25, तो ये 21 दिया था 2008 में, वर्तमान में इसमें 25 है, अभी एक और बन रहा है। सबसे अधिक बेंच है तो यह गुवाहाटी हाई कोर्ट की, और बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1861। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हाई कोर्ट की जारी कर सकता है तो बंदी प्रतिकर रेट। हाई कोर्ट को संवैधानिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो परमादेश जारी करने की शक्ति। फिर नेक्स्ट है, भारत में एक हाई कोर्ट के संबंध में सही कथन सही नहीं है, तो यह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण। तो देखिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं नियंत्रण में राज्य के राज्यपाल, राज्य के हाई कोर्ट। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई है पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना। अब स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचायती राज का विकास एवं संरचना, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान करता है अनुच्छेद 243(d)(3) के अनुसार। और नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की का शिल्पी कहा जाता है बी आर मेहता, 1957 का है। सूची वन को सीटों से मिलाइए 1956 का। देखिए पीसीएस से 2021 में क्वेश्चन पूछा था, बी आर मेहता समिति 1956, अशोक मेहता 1977, और जेके राव समिति 1985, और एल एम सिंघवी समिति में जगह 1986। फिर से पीछे 2022 में क्वेश्चन पूछा, बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, और एल एम सिंघवी 1986, और पी के थुंगन 1988। याद कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है ये। फिर है, भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसका तो कम से कम 21 वर्ष होना ही चाहिए। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है राज्य का निर्वाचन आयोग। देखिए पीछे 2023 में क्वेश्चन पूछा था, फिर से पूछा क्वेश्चन था, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही है, तो पंचायती राज के तीन स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय, मतलब तीन के जगह दो बताया था कि दो रहना चाहिए। पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता 1957, और पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग और जाति। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर है तो स्थानीय मेलों पर कर। ग्राम पंचायतों का आय का साधन नहीं है तो कृषि आय पर। पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया था राजस्थान में। पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य को। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया राजस्थान। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्राविधान किया गया था, तो यह है 1993। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं प्रधान पंच। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है, तो यह पंचायती राज। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है अनुच्छेद 243 का घ। जिस समिति की संतुष्टि पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि की गई थी तो एल एम सिंधवी कमेटी।
नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था संबंधित नहीं है तो पीएन राज समिति। और अशोक मेहता से, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संतुष्टि की थी तो द्विस्तरीय प्रतिमान की। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा तो अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला योजना सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है कुल स्थानों का 1/3। महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है कि स्थानीय निकायों में। स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है केंद्रीय निमंत्रण नियंत्रण, और पंचायती राज संस्था नहीं है नागालैंड। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है बिहार राज्य में। एक पंचायतों से संबंधित नहीं है संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित की तिथि से। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है तो 6 माह के अंदर ही। पंचायती राज किस विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेट अप आयोजित करता है उसे कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है अनुच्छेद 40 है। आरओ 2017 में मैंने से पूछा था समितियां और कुछ वर्ष, तो पीके थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977 और बीआर मेहता 1957 और ये सिंधवी 1986 में है। पंचायती राज गठित समितियों का कालानुक्रम क्या है तो बीआर मेहता फिर अशोक फिर राव समिति फिर एलएम सिंघवी समिति। फिर पंचायती राज संबंधित है गठन उनका, अशोक मेहता 77 में है, जीके राव समिति 1985, एलएम सिंधवी समिति 86 और पीके थुंगन 88। अब अर्बन गवर्नमेंट देखते हैं, नगरी शासन। तो भारत में प्रथम नगरी स्थापित किया गया था मद्रास में। देखिए पीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा था, फिर से पीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है हिंद्री द्विति को, हिंद्री द्विति अवस्था को। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित विकास खंड से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है संविधान 74वें संविधान अधिनियम 1992। संविधान का वह भाग जो नगर पालिकाओं संबंधित है तो भाग 9A, और किसी राज्य में नगर पालिका का क्षेत्र सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। मिलान करिए नगरी ग्रामीण इकाई और स्थानीय शासन संस्था, झांसी का हो जाएगा नगर निगम, मछलीसर हो जाएगा नगर पंचायत, टुंडला हो जाएगा नगर पालिका परिषद और सैफई हो जाएगा क्षेत्र समिति। सहकारी समितियां देख लीजिए, तो संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21, और सहकारी संगठन सदस्यों में मत देने का अधिकार होता है तो प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त ऋण को सम्मिलित करते हुए वे उनके अनुपात में। तो अब देखते हैं संवैधानिक निकाय को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। तो निर्वाचन आयोग, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। देखिए पीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा है, दो बार पूछा है। कि दूसरा क्वेश्चन था, भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी तो रमा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 243 के। राज्य विधानसभा का निर्वाचन संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, और मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। चुनाव की अधिसूचना जारी करने से संबंधित नहीं है चुनाव आयोग, और नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव था, चुनाव में 1989। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया तो 1989। भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित करता है तो अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का वह भाग जो निर्वाचन एवं निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है 15वां है। एक मिनट,
अब देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश तो यह है 2021-22 से 2025-26 तक। भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए शुरू किया गया है तो गरुड़ ऐप। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री केसीनी योगी। 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के क्षैतिज वितरण के मापदंडों के अंतर्गत मापदंड के उच्चतम भार प्रतिशत मिला है आय दूरी। 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्यों के राजस्व को घटाकर शून्य करना वर्ष 2008 से 9 तक। केलकर समिति संबंधित है वित्त विभाग। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी। भारत सरकार ने दिनांक 2/1/2013 को गठित किया है 14वां वित्त आयोग। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में देखिए, तो पीसीए 2022 में क्वेश्चन पूछा था भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है तो लोक लेखा समिति करती है। पीसीए 2019 में क्वेश्चन पूछा था वह वर्ष जब अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया तो यह 1976 का। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है संसद का। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था तो यह संविधान द्वारा। और भारत के नियंत्रक के महालेखा कार का कार्यकाल होता है तो यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है तो उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है तो यह लोक लेखा समिति। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रदान करता है अनुच्छेद 148। अब यूपीएससी के बारे में देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ और राज्य दोनों एक ही में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्य हटाया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ये पीसीए 2021 में क्वेश्चन पूछा था। 2022 में क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है तो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत है केंद्र सरकार। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को इनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है तो भारत के राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा श्रेणियां हैं तो यह 3। नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग। तो वह राज्य जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु 6वीं अनुसूची के प्रावधान को लागू नहीं किया गया है तो यह नागालैंड। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में से निम्न राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है तो यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जातियों या जनजातियों के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में विहित है वह है भारत का राष्ट्रपति। अब है भारत का महान्यायवादी। तो भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया आर वेंकट रमण को, ठीक है, आर वेंकट रमण याद कर लीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है वह। तो यह तो भारत के महान्यायवादी के विषय में कर रहे हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं भारत सरकार के, और भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी। वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट अब है राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल स्टेट। तो वह जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने व किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार हो, अधिकार तो है परंतु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है तो भारत के महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को राज्य का सरकार कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता। और राजभाषा एवं सेवाएं देखिए, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है तो यह अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। फिर नेक्स्ट है भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के आधार बारे में सही है तो यह बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची की स्वीकृत भाषा है।
संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है तो उत्तराखंड, और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा बंगाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में न्याय मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है इस समय 22 है, ठीक है 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ है 1955 बीजी खेर की अध्यक्षता में। चलिए तो अब देखिए गैर संवैधानिक निकाय यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अभी तक संवैधानिक निकाय दे रहे थे अब गैर संवैधानिक देख लीजिए। तो योजना आयोग अब उसके स्थान पर नीति आयोग है। तो नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य की प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री, और नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर वर्ग अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है योजना आयोग को। एक संवैधानिकतर संस्थान है नीति आयोग, और भारत में नीति आयोग की स्थापना वर्ष जनवरी 2015 में की गई। तो संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव, केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। संवैधानिक संस्थान नहीं है तो योजना आयोग, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। एक संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग, योजना आयोग का अंत किया है नरेंद्र मोदी ने। भारत में एक समय के लिए योजना अवकाश अधिकतम थी 3 वर्ष। नेक्स्ट है, एक संविधान का अंग नहीं है तो योजना आयोग नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में देखिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से NDC बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाना एवं राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना यह कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, तो इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, एक संवैधानिक संस्थान नहीं है तो मानवाधिकार आयोग, और मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है तो सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश। केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग, तो सूचना का अधिकार के संबंध में सही है कथन है, तो यह एक विधिक अधिकार है। अब लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना तो यह हुई थी महाराष्ट्र में हुई थी। विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग, तो सरकारी आयोग स्थापित किया गया था केंद्र तथा राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु। संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एक पंचायत है संवैधानिक प्राधिकरण। और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है 1993 ईस्वी में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेकर। राजनीतिक गतिशीलता देखिए, तो राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता है, तो 2022 में क्वेश्चन पूछा था राजनीतिक दल और स्थापना वर्ष। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, समाजवादी पार्टी 1992 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली तो 1985 में, और भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल से कम तो 4 राज्यों में। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है तो यह तेलुगु देशम, और किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो तब। क्षेत्रीय राजनीतिक दल तो अकाली दल है, और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन के विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए तो 55 सदस्य। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। 2023 में क्वेश्चन पूछा था UPPCSJ में संविधान दल परिवर्तन कानून से, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, और सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसूचियों में से दल बदल विरोधी कानून से संबंधित तो यह 10वीं अनुसूची, और दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह तिथि है 15 फरवरी 1985। एक दल बदल कानून विनोरोध में अवाचित नहीं है तो यह किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है तो 10वीं अनुसूची में। अब है मिसलेनियस विविध क्वेश्चन पूछे, तो वे अनुच्छेद जो भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है तो अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 300 का A, जिसमें ABCD लगा हुआ मूल नहीं रहेंगे।
वो अलग से बनाए गए होते हैं। भारत के राज्य या संघ राज क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका था, तो यह मणिपुर लग चुका है मणिपुर में। अब सम्मिलित कीजिए, पीसीए 2022 में क्वेश्चन पूछा था व्यक्ति है और संबंधित संबंध है, तो एम स्वामीनाथन हरित क्रांति, एल के झा आर्थिक प्रशासन सुधार, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। वह राज्य जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है तो राजस्थान, और संविधान की अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है तो यातना के विरुद्ध निषेध। भारतीय संघ को सौदेबाजी संघ कहा है मॉरिस जोन्स, और भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित जनहित याचिका। भारत में जनपद के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वयं स्वतंत्र प्रेस, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वर्ष 1985। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल, गुजरात में बनी थी ये, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। आनंदीबेन पटेल इस समय के राज्यपाल हैं, बताइए कहाँ की राज्यपाल ये है। कोठारी कमीशन संबंधित है शिक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है तो विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण। बिना बोझ के सीखना समिति का अध्यक्ष था प्रोफेसर यशपाल। वह राज्य जिसमें ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिससे नौकरशाही की बेहिसाब अकाउंटेंट्स परिसंपत्ति को जब्त किया जा सकेगा, तो राजस्थान। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं जिला पंचायत है तो संवैधानिक प्राधिकरण। एक मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। राज्यसभा रोक सकती है वित्तीय बिल, लेकिन धन विधेयक रहता है वो नहीं रोकती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह दल होता है राष्ट्रीय स्तर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निस्तारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अपराध जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है संघीय अपराध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन के हेतु समय समय पर उपयोग होता है तो यह आंतरिक दलीय लोकतंत्र में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। संवैधानिक अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है बहुफसली योजना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ है 2008 में। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया है वर्ष 1976 में। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक है वैधानिक अधिकार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम लागू हुआ था 1954 में। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया है 1976। नालंदा परियोजना कार्यक्रम अल्पसंख्यकों मामलों की मंत्रालय 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है बिहार में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा है न्यायमूर्ति के कन्नन। वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया है विट्ठल भाई पटेल, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है लंदन में। किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी, तो यह है श्री माओ भंडारण नायके। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि है 9 वर्ष। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं नहीं। आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है, तो यह है मरणोपरांत संपदा शुल्क। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया उत्तराखंड में। असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय एवं राजनीतिक वर्चस्व से ये सभी कारण है, तो यह भारत के क्षेत्रवाद के। लड़कियों के लिए भारत में विवाह की अधिकतम आयु 18 है लेकिन अब इस समय 21 है। और भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषिद्ध किया गया है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग। धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है जुर्माने एवं अर्थदंड से संबंधित उपबंध। भारत में न्याय सक्रियता संबंधित जनहित याचिका से 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक है राजदीप सरदेसाई। पिछड़े वर्ग का नागरिक से संबंधित पदों में से विभाजन परिभाषित नहीं है, तो यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। भारतीय संविधान नई कठोर नई लचीला है। और भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी केरल में। अब भारत में संप्रभु
तो हम भारत के लोग आईपीएल संबंधित, सॉरी आईपीएल नहीं, पीआईएल, सॉरी पीआईएल से संबंधित है, न्यायाधीश भगवती है, जनहित याचिका है। और सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय जिसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई है, तो SP गुप्ता बनाम भारत संघ। चलिए लास्ट ये पेज है। संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है तो नियमों के कृत्यों में जिस कार्य को प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता उसे परोक्षता भी नहीं किया जा सकता, यह कथन संबंधित है आभासी विघटन के सिद्धांत से। प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अनन्य स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो अनुच्छेद 360 1972 में प्रारंभिक की गई रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1965। सुमेलित कीजिए अब इसको, सुमेलित सूचीबद्ध को सूचित से। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नागरिकता है भाग 2 में, मौलिक अधिकार है भाग 3 में, और प्रशासनिक अधिकरण स्थापना है अनुच्छेद 323 के ए में। अब अधिकारी और संस्थान है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा से, और राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक लोक लेखा समिति, भारत का महाधिवक्ता लोक उपक्रम समिति, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक। अब सही सुमेलित कीजिए यहाँ पर सूचीबद्ध को सूचित से। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित व भारत के राज्यपाल, तो ये होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, और राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त, और भारत के उपराष्ट्रपति सांसदों द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग हो जाएंगे 280 में, और नियंत्रक मालिका परीक्षक 148 में। UPSC हो जाएगा 315, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति 338। नेक्स्ट है पृष्ठ मिलाने वाला है, मौलिक कर्तव्य 42 संविधान संशोधन। संसद मौलिक अधिकारों में संरक्षण कर सकती है, संशोधन कर सकती है केशवानंद भारती केस के संबंधित से। मूल ढांचे का सिद्धांत है मिनर्वा मिल्स केस, और इंसानों के अनैतिक व्यापार के निषेध संविधान का अनुच्छेद 23। नेक्स्ट टॉपिक है एक इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक नहीं क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अधिकतम रिकॉर्ड कर सकती है 3840 वोट। भारतीय संविधान का वह संशोधनों जो मंत्रिमंडल के आकार पर अंकुश लगाता है, संशोधन 91। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अध्याय जोड़ा गया था, 73वां है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, तो इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखिए कितने क्वेश्चन कितने टॉपिक विषय सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो पहले हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है, उसके बाद जियोग्राफी पढ़ा है, उसके बाद पॉलिटी पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग का है अब इकोनॉमी। ठीक है, तो इतना हो गया है और ये आपका बाकी है। ठीक है, तो चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा, और इसमें लगभग आपका 5 वीडियो इसमें है और 4 वीडियो इसमें है और 3 वीडियो इसमें बन गए हैं, 5 5 4 9 9 3 12 वीडियो हो चुके हैं। तो 12 वीडियो को देखिए, जब तक एग्जाम देने से पहले इसको जाकर जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।